गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 8 देखेंगे। ये इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो है और ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए, बुक है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 402 कोड है, क्योंकि 10th क्लास में जो कोड है 402 है CBSE पैटर्न में। चैप्टर नंबर 2 वेब एप्लीकेशन, टॉपिक है आपका इंटरनेट सिक्योरिटी और सेशन 8, क्योंकि ये चैप्टर सेशन 8 में कंप्लीट हुआ है और इस चैप्टर की अभी तक 7 वीडियो कंप्लीट बन चुकी है। पहले आप चैप्टर की 7 वीडियो कंप्लीट देखें और फिर वीडियो नंबर 8 को सीन करें, जिससे आपको ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट समझ में आ जाएगा, फिर हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स पे चलेंगे। क्लियर? अब देखिए, इंटरनेट सिक्योरिटी आपको पता है, इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हैं और आप खुद भी आप यूज भी करते हैं, क्योंकि आज ऑब्वियसली सबके पास मोबाइल फोन है और सब पासवर्ड का यूज भी करते हैं, ठीक है, चाहे वो गैलरी में लगाएं, चाहे वो गूगल क्रोम पे लगाएं, चाहे वो फोन के ऊपर लगाएं, किसी भी एप्स पे पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो पासवर्ड लगाते हैं, हर जगह पासवर्ड का यूज होता है। अब इंटरनेट सिक्योरिटी के माध्यम से ये क्या बता रहा है आपको कि क्या होता है इंटरनेट सिक्योरिटी। अब देखिए, इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ ए कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब देखिए, ये किसकी ब्रांच है, इंटरनेट सिक्योरिटी किसकी ब्रांच है, कंप्यूटर सिक्योरिटी की। क्लियर? लेकिन ये स्पेशल रिलेटेड इंटरनेट से करती है, ये कंप्यूटर की ब्रांच तो है लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, नॉट ओनली इंटरनेट, ये रिलेटेड नॉट ओनली इंटरनेट से नहीं करती, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी एंड द वर्ल्ड वाइड वेब एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ये इंटरनेट सिक्योरिटी आपके मोबाइल फोन में भी, इसके अलावा आपके वर्ल्ड वाइड ब्राउजर में भी, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, और ब्राउजर सिक्योरिटी ब्राउजर के ऊपर भी, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट सिक्योरिटी आपको किस क्यों बचाती है, आपको इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हमारे स्पेशल खतरे आते हैं, उन खतरों से हमें बचाती है। अब वो खतरे का मतलब क्या है, वायरस, मालवेयर, स्पेसिफाई, अब देखिए स्पेवेयर, अब देखिए कई तरह के वायरस हैं और कई तरीके से आपको इंटरनेट क्राइम किया जाता है, जिससे आपके हैकर्स आपके डाटा को आसानी से ले सकते हैं। अब मैं वही आपको बता रहा हूं जिससे आपको कोई भी हैकर आपको परेशान ना करे और कोई भी आपके मोबाइल फोन से हैकिंग ना कर सके, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हैकर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे डाटा चोरी हो रहे हैं। अब वो डाटा हमें पता भी नहीं चलता लेकिन चोरी हो जाते हैं, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कुछ दिनों पहले हमने कई ऐप्स बंद किए हैं, चीन के कई ऐप बंद किए हैं, क्यों किए, क्योंकि हैकर की वजह से, हैकिंग की वजह से कई ऐप बंद किए हैं, जैसे उसमें से टिकटॉक हैं, इस तरीके से कई ऐप बंद किए हैं। क्यों करें, सिर्फ हैकिंग की वजह से, इंटरनेट से वो हमारे डाटा क्या कर रहे थे, चुरा रहे थे, इसलिए कुछ क्राइम को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐप को बंद कर दिया, कुछ ऐप्स को, बाकी ऐप चल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हम उन ऐपों को बंद भी ना करें लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी को कंप्लीट रखें, जिससे कोई भी हैकर हमारे आसानी से हमारे डाटा को चुरा ना सके। अब देखिए कैसे, आपको पता है इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर ब्रांच की स्पेशल ब्रांच है, रिलेटेड टू नॉट ओनली इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड नहीं करती
ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी से भी करती है, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर से भी करती, वर्ल्ड वाइड वेब से भी करती है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में हम चलाते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम से भी करती है। क्योंकि ध्यान रखिए, आप कंप्यूटर पे भी लॉक लगा सकते हैं, मोबाइल फोन पे भी लॉक लगा सकते हैं, मोबाइल फोन के किसी भी ऐप पे लॉक लगा सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पे लॉक लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या गलती कर देते हैं, हम ऐसा ही पासवर्ड बनाते हैं, हम ऐसा ही पासवर्ड बनाते हैं जो इजीली हो, हमें याद हो। लेकिन मैं आपको इसकी आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए जो आसानी से आप खोल सके, क्योंकि आपको हमेशा ऐसे ही पासवर्ड का यूज करना चाहिए जो आसानी से ना खुले। किस तरीके से, देखिए आगे देखिए, सम वेबसाइट, कुछ वेबसाइट हैं, कैन आल्सो इंस्टॉल मालवेयर, मतलब एक तरह का ये वायरस का नाम है, ऑन दी कंप्यूटर विदाउट यूजर कंसेंट, देयर बाय लिविंग दी कंप्यूटर डैमेज ऑफ दी इनसिक्योर। कई बार क्या होता है, हम कोई ब्राउजर डाउनलोड करते हैं, कई बार कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके ऐप के साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसी वेबसाइट, मालवेयर जैसी, कुछ ऐसी वायरस जो हमारे कंप्यूटर में हमें पता भी नहीं चलता, हमारे मोबाइल में हमें पता भी नहीं चलता, और इंस्टॉल हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो मोबाइल का डाटा है, जो हमारे मोबाइल का डाटा है, वो क्या हो जाता है, दूसरों के पास, हैकर के पास चला जाता है, हमें पता भी नहीं चला और हमारे में इंस्टॉल भी हो गया और हमें वो डाटा चला जाता है। अब क्या करते हैं हैकर, हैकर क्या करते हैं कि आपके डाटा को चुरा कर आपके पासवर्ड को देखते हैं। लेकिन जब तक यदि पासवर्ड सही है, पासवर्ड स्ट्रांग है, तो हैकर भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखिए, चाहे कितना भी बड़ा हैकर हो, आपके पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। यदि पासवर्ड स्ट्रांग है तो हैकर आपका कुछ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। सम वेबसाइट कैन आल्सो इंस्टॉल, कुछ वेबसाइट इंस्टॉल होती है मालवेयर जैसी, ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजर कोई, क्योंकि इसमें यूजर के बिना भी इंस्टॉल हो जाती है, देयर बाय द लिविंग द कंप्यूटर डैमेज, जो कंप्यूटर को डैमेज करती है सिस्टम को, इनसिक्योर मतलब, इनसिक्योर मतलब उनके डाटा हैकर्स के पास चले जाते हैं, सिक्योर नहीं रहता वो वेबसाइट बिना उसके इंस्टॉल हो जाती है। आगे देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेट सिक्योरिटी इज टू एस्टेब्लिश रूल एंड मेजर यूज अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। कुछ ऐसे रूल हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको इंटरनेट सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश रूल बनाए गए हैं, जिससे आप मेजर कर सकते हैं एंड अटैक योर इंटरनेट, और आपके अटैक इंटरनेट पे जो भी अटैक होते हैं वायरस की वजह से, इंटरनेट के वायरस की वजह से जो भी अटैक होते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको हैकर कोई भी आपका डाटा नहीं चुरा सकता। तो ऐसे कुछ रूल बनाए गए हैं, तो अभी देखेंगे। पहले मैं आपको इंटरनेट सिक्योरिटी के आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर कई गाइडलाइन भी आती है। कई आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि आज इसका बैंक अकाउंट का हैक हो गया, इसका मोबाइल का डाटा हैक हो गया, इसकी जीमेल आईडी हैक हो गई, किसी की क्या नाम है ऐप हैक हो गए, किसी के गवर्नमेंट इसको किसी के अकाउंट बैलेंस से अकाउंट में बैलेंस निकाल लिया गया। इस तरीके से कई हैकर्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपने कभी भी सोचा कि ये करते कैसे हैं, कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं? क्योंकि हैकर आपको पता है, क्योंकि आपको किस तरीके से वर्क करते हैं, इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि ये वर्क आप अपने सिक्योरिटी माध्यम को मजबूत रखें, आप अपने पासवर्ड को मजबूत रखें, तो वो हैकर नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको पता है यदि वो आपके पासवर्ड, आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि देखो एक तो पासवर्ड होता है और एक होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मैं आपको इसमें भी डिफरेंस बताऊंगा कि पासवर्ड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। क्लियर? यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का। आगे देखिए बेटा, टॉपिक है आपका बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फॉर सिक्योरिटी। अब देखिए गाइडलाइन है,
मैनेजिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और पासवर्ड अलग चीज है। क्यों? क्योंकि देखो आप पासवर्ड एक छोटा सा है, आप लगा दीजिए और आपको है ना वो हैक हो जाता है कई बार, और हैक नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है हैक ही हो जाएगा, नहीं भी हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से बनता है वो। अब कैसे बनता है वो देखिए। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल करेक्टर। आप देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को करने के लिए कॉम्बिनेशन जो ना अल्फा न्यूमेरिक वर्ड एंड स्पेशल करेक्टर जो है एट द रेट है इस तरीके से कुड बी यूज फॉर क्रिएटिंग ए पासवर्ड डेट इज नॉट सो इजी टू क्रैक एंड गैस बाई अदर यूजर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मीन्स क्या होता है कि आप ऐसे पासवर्ड बनाइए जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्ड भी हो, अल्फा न्यूमेरिक वर्ड भी हो, स्पेशल करेक्ट भी हो, जिससे क्या है अंदाजा नहीं लगा सकता कौन अदर यूजर। क्रैक एंड गैस, ट्रैक नहीं कर, क्रैकिंग नहीं कर सकता एंड गैस नहीं कर सकता कि क्या पासवर्ड है। क्योंकि पासवर्ड लगाने के लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो, एक तो आपको अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए आपके, मतलब स्टेप बाय स्टेप नंबर वाले नहीं होने चाहिए, लाइन वाइज नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कोई कलर नेम नहीं होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट का नंबर, उसके बाद अपने फेवरेट कलर का नंबर, इस तरीके से आप पासवर्ड तो बना सकते हैं। उसमें क्या होता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डिजिट अलग अलग तरीके से। अब ऐसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड बना दिया तो रोंगे, आपने मोबाइल फोन नंबर पासवर्ड बना दिया तो रोंगे, उसके बाद आपने फेवरेट कलर ही पासवर्ड बना दिया तो रोंगे। क्योंकि इसको हैकिंग करना बहुत आसान है, इनको हैकिंग करना बहुत ईजी है। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप पासवर्ड लगाएं स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाएं, करीब 10 लेटर्स का लगाएं, 8 या 10 लेटर्स का लगाएं, उसके अलावा 12 भी हो जाते डिजिट तो कोई बात नहीं, आप लगाइए। क्योंकि पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए जिससे आपका मोबाइल फोन का डाटा, चाहे बैंक अकाउंट का अकाउंट जो रुपीज होते हैं वो किसी के पास भी ना जाएं, कोई भी आपका डाटा चोरी ना कर सके, आपका ऑफिस डिटेल भी चोरी ना कर सके, आपके प्रोजेक्ट की डिटेल चोरी ना कर सके। क्योंकि देखो हैकिंग करने वाला, आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपका आज देखो आपको पता है सबके पास ओबीसी, सबके पास मोबाइल है और आज सब मोबाइल से काम करते हैं, तो हैकिंग यही सोचता है कि मोबाइल फ़ोन ही हैक क्यों ना किया जाए, और मोबाइल फ़ोन हैक करते ही आपका सारा डाटा उसके पास चला जाता है। आज देख लो ऑब्वियसली सब व्हाट्सअप का यूज़ जरूर करते हैं, तो आप ये मत समझिए व्हाट्सअप हैक नहीं हो सकता, व्हाट्सअप भी हैक हो सकता है, इसमें भी आपको पासवर्ड लगाने चाहिए। इसके अलावा कई आप जो डेली यूजेज ऐप्स हैं उनमें आप पासवर्ड का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पासवर्ड ये हैं, और कहीं भी कोई पासवर्ड ऐसा लिख के ना रखें कि जिससे दूसरे को पासवर्ड पता चले। क्योंकि आपको पता है दूसरे को यदि पासवर्ड पता चलता है तो आपको ही नुकसान है, क्योंकि आपको पता है यदि आपको सारा डिटेल उसके पास चला जाएगा। आगे देखिए, यूज एंड कैपिटल एंड लोअर केस। आप या यूज तो कैपिटल लेटर का ना करें या लोअर केस का ही ना करें, आप दोनों का ही मिक्स का यूज करें, या कैपिटल एक साथ कैपिटल वर्ड भी ना लिखें और ना लोअर केस के लिखें, तो आप दोनों का मिक्स का यूज करें, ठीक है। अवॉइड कीपिंग द पासवर्ड बेस ऑफ द रिपीटिंग डिक्शनरी वर्ड। ऐसे वर्ड जो डेली रूटीन में आपसे रिपीट होते हैं, ऐसे पासवर्ड ना बनाएं, ठीक है, डिक्शनरी के वर्ड के पासवर्ड ना बनाएं। लेटर और द नंबर सिक्वेंस मतलब 1 2 3 4 डिजिट के पासवर्ड ना बनाएं, क्लियर। इसके बाद यूजर नेम, रिलेटिव और दी पैट नेम। पैट नेम आपको पता ही हो गया कि अपने पैट नेम का पासवर्ड ना बनाएं, क्योंकि इनको हैकिंग करना बहुत इजी होता है, क्लियर हो गया। इंक्लूडिंग एन नंबर एंड सिंबल इन पासवर्ड इफ अलाउ। आगे देखिए इसमें, इंक्लूडिंग नंबर एंड सिंबल, आप पासवर्ड में इंक्लूड करें कुछ सिंबल का,
कुछ नंबर का, कुछ अल्फान्यूमेरिक वर्ड का, कुछ स्पेशल वर्ड का। अब ये सारे चीज आप मिक्स कर दोगे तो पासवर्ड बन जाता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को हैक करना आसान नहीं होता किसी के लिए। तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करिए, ठीक है, और जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी इंटरनेट की कोई भी डिटेल, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी डिटेल किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। तो हैकिंग आपको क्लियरली, आपका हैकर्स वो हैक नहीं कर पाएगा और आपका डाटा किसी पास चोरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं एक आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपने लिया अपने नेम का फर्स्ट लेटर, जैसे मैं अपने नेम का ही ले लेता हूँ, जैसे सोबित है तो एस ले लिया। उसके बाद आपका किस बैंक में अकाउंट है, मान के चलो मेरा ही ले लेता हूँ, जैसे PNB का P हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इमेजिन डैट मानिए कि मेरा फेवरेट कलर हो गया, जैसे W इस तरीके से। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी जीमेल आईडी का मेन डिजिट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का लगा दिया लास्ट 4, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमने स्कूल, हमने जिस स्कूल में हम काम करते हैं उस स्कूल के नेम का लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ भी, आप जैसे अपने मदर का नेम का लगा सकते हैं, ठीक है, और फादर का नेम का लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप एट दी रेट का यूज कर सकते हैं, हैश का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं, और आप अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो लगा सकते हैं, कौन से विलेज में रहते हैं ये लगा सकते हैं। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं, और कुल टोटल 12 या 15 डिजिट का पासवर्ड बन के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तैयार हो जाता है। और इस पासवर्ड को हैक करना हर के बस की नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत क्राइम हो रहे हैं। इसी वजह से आपको ये पासवर्ड हमेशा, ये ध्यान रखिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें, ये गाइडलाइन का इनका यूज करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की गाइडलाइन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इसलिए अब ध्यान रखिए कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करिए, जिससे आपको इंटरनेट सिक्योरिटी आपका मजबूत हो जाए, और आपको कोई हैक ना कर पाए, आपकी कोई भी डाटा डिटेल चोरी ना कर पाए, कोई हैकर ना कर पाए, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिए, इसके बाद आपको कोई भी, इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको वर्ड समझ में नहीं आया हो, या आपको कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन वीडियो नंबर 9 में कर सकूं। आज ये थ्योरेटिकल पार्ट साथ इसका, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया है, और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर की प्रैक्टिकल पार्ट्स होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट्स होगा। इसलिए आप वीडियो नंबर 8 तक, आज इस चैप्टर की वीडियो नंबर 8 बन चुकी है, इसलिए आप वीडियो नंबर 8 तक का सीन करें, उसको समझें, और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छी लगे तो आप लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।